कप्तान कल बोले थे, जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। खिलाड़ी आज बोले हैं, तौफीक कर दी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चौधरी परवेज अलाई की बतौर वजीर आला नॉमिनेशन। कप्तान तो कल ये भी बोले थे, चौधरी परवेज अलाई एक डाकू है। खिलाड़ी आज ये बोले हैं, परवेज अलाई कैंडिडेट रहेंगे, 22 जुलाई को इंशाल्लाह ताला चौधरी परवेज अलाई पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। तब बोले थे तो तोले थे, या आज तोले हो तभी बोले हो। परवेज अलाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। परवेज अलाई जो है वो पंजाब के वजीर आला होंगे। जी हाँ, परवेज अलाई पीटीआई के कोई सियासी कजन नहीं। परवेज अलाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। असल में जीत के बाद भी पीटीआई के पास वजन नहीं, तभी परवेज अलाई को तोला है और उन्होंने वजारत आला का बोला है। तौफीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज अलाई की बतौर वजीर आला नॉमिनेशन। और जिसे कहा करते थे वो सबसे बड़ा डाकू, एक डाकू है, अब हाथ जरा होला है। रीजन बहुत जरूरी होती है, चौधरी परवेज अलाई पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। वरना इमरान खान तो पिछली बार सादगी का नमूना पेश कर ही चुके हैं। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, गर्मूची पहनता। माजी और हाल पर नजर डालने के बाद कंफ्यूजन ये है कि पंजाब असेंबली में परवेज इलाही इमरान खान का साथ दे रहे हैं या इमरान खान परवेज इलाही का। सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी।